हेलो एवरीवन। सो फ्रॉम टुडे आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो क्लास 12 फिजिक्स, और हमारी जो इसमें फर्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 फर्स्ट यूनिट। सो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, राइट। अगर मैं इसको लिखूं इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, राइट। अगर जब भी बात करेंगे इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है चार्ज एंड स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगी? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। मींस ये किसकी ब्रांच, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फिजिक्स के बारे में। सो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्ज की और इसमें रेस्ट, राइट। और उसका हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, राइट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी ऑफ चार्ज है रेस्ट, हम चार्ज की स्टडी करेंगे रेस्ट में, यानी कि चार्ज मोशन में नहीं होगा। तो सबसे पहली बात हम किसकी स्टडी करेंगे? चार्ज की। तो हमें चार्ज के बारे में पता होना चाहिए चार्ज है क्या, राइट। तो चार्ज है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ओ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट राइजेस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। मतलब इंट्रिंसिक इंटरनल प्रॉपर्टी किसकी? एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट राइजेस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। लाइक सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रिंसिक इंटरनल प्रॉपर्टी, मेरे पास सपोज करो कोई भी एटम है, एलिमेंट है, एग्जाम्पल मैंने दिया सोडियम का, राइट। और यहां पर सोडियम में कोई भी एटम है, हाइड्रोजन है, इसको लिखते हैं 1123, नीचे वाला क्या होता है? एटॉमिक नंबर, एंड दिस इज मास नंबर। लेकिन कोई भी एटम है वो थ्री पार्टिकल से मिलकर बना है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब आपको पता है प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? नेगेटिव। बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। तो किसी भी एटम के अंदर जो उसका एटॉमिक नंबर, मतलब जो नीचे लिखा जाता है, उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं उसके अंदर? इलेक्ट्रॉन। और उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन, राइट। और फिर दूसरी बात आती है कि दुनिया में दो ही तरीके के चार्ज हैं मेरे लिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के लिए। ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। एटम के अंदर तो होते हैं, एटम किसको मिलकर बना है, राइट। अगर हम बात करें वन प्रोटॉन के कितना चार्ज होता है, वन प्रोटॉन के चार्ज होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। कूलम इसकी चार्ज की यूनिट होती है SI। अगर हम बात करें वन इलेक्ट्रॉन पे, तो वन इलेक्ट्रॉन पे होगा -1.6×10⁻¹⁹ कूलम चार्ज। यानी कि जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। और उसमें सबसे बड़ी बात, कितने प्रोटॉन है? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। सो अगर हम टोटल पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, अरे एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज, तो 11 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा? मींस 11×1.6×10⁻¹⁹ कूलम, राइट।
माइनस नेगेटिव चार्ज कितना होगा? 11 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। सो एटम पे जो नेट चार्ज है या मॉलिक्यूल पे जो नेट चार्ज है वो कितना होता है? जीरो। क्यों होता है जीरो? क्योंकि एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है हम प्रोटॉन के चार्ज को प्लस ई से भी नोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को किससे भी नोट करते हैं? माइनस। राइट, तो ये है हमारे पास चार्ज का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। एलिमेंट को एटम कोई भी पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं। राइट, तो एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फिर बात आती है कि कोई चीज चार्ज क्यों होते हैं, क्या है? राइट, तो कोई चीज चार्जिंग का रीजन क्या है? जैसे हम कई बार आपने कुछ एक्टिविटी की होगी, हम कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं और अगर कोई जैसे हम क्लास छोटी क्लासेस में थे तो क्या करते थे, मार्कर वगैरह या सिंपल तो स्केल वगैरह करते थे, वो उनको उठा लेता था, अट्रैक्ट करता था, उस पर क्या जाता था? चार्ज। तो रियली में वो चार्ज किसके कारण होता है? एक सिंपल सी बात देखो, सपोज करो मेरे पास दो तरीके के मेटेरियल है ए एंड बी। राइट, इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन सपोज करो मैंने कह दिया 30, जितने प्रोटॉन होते हैं क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहां पे बात करूं मेरे पास प्रोटॉन है 20, इलेक्ट्रॉन है 20। देखो प्रोटॉन तो काम रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इसके चारों। ठीक है, अब लूजली बाउंड हमेशा इलेक्ट्रॉन होते, जाने का काम किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। अब सपोज करो वो अलग अलग मेथड में चार्जिंग की, मैं बताऊंगा इसके बाद। अगर बाइनरी यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गया ए का बी पे, तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे पास 30 के 30 रहेंगे, तो कहीं नहीं जाना। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 29। यहां पर प्रोटॉन कितने हैं? 20। इलेक्ट्रॉन 21, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया। राइट, यहां पे अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 29। और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने? 21। अब सीधी सी बात, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उतना ही एक प्रोटॉन पे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो यहां पर प्रोटॉन कितने हैं? 30। इलेक्ट्रॉन कितने? 29। तो 29 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो किसके इक्वल होगा? 29 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 29 प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल। इसका मतलब 29 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कितने इलेक्ट्रॉनों ने किया? 29। कितना बचा? एक, तो एक एक्स्ट्रा बच गया ना, और एक्स्ट्रा कौन बचा? प्रोटॉन। इसलिए उसके चार्ज को लिख दिया प्लस ई, 1 है। यहां पर 20 प्रोटॉन है, 20 में क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो बचा क्या? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो यहां पर क्या बच गया? माइनस ई। राइट, अगर बाइनरी गलती से दो इलेक्ट्रॉन चले जाते तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने बच जाते? 28। और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते? 22। अब उस केस में 28 इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन को कैंसिल करेंगे? 20। कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, सॉरी 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए। तो यहां पर प्लस 2 ही, यहां पर माइनस 2 ही। राइट, नेट चार्ज तो भी जीरो ही रहेगा, अगर इसके जितना पॉजिटिव इसके इतना ही नेगेटिव। अगर 3 चले जाए तो प्लस 3 ही, माइनस 3 ही। अगर n चले गए तो प्लस n ही, माइनस n। तो ये रीजन है, तो कोई भी चीज पे जो चार्ज आता है वो ट्रांसफर हो इलेक्ट्रॉन। राइट, अब अगर हम आगे बात करें चार्ज की, कोई चीज चार्ज क्यों होती, कैसे होती, क्या रीजन है उसका, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड्स फॉर चार्जिंग, फर्स्ट मेथड फ्रिक्शन मेथड। राइट, तो फ्रिक्शन मेथड कौन सा होता है? अब नाम से पता लग रहा है फ्रिक्शन। राइट, मीन चार्जिंग बाय रबिंग,
चांसी बाय रवि। मीन्स अगर हम एक सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, रब करते हैं, रबिंग करते हैं, तो एक 100% है कि किसी में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गली बाउंड। किसके इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे? जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे। लाइक सपोज करो मेरे पास एक ग्लास होल्ड है और ये मेरे पास है एक सिल्क क्लॉथ। अब ग्लास होल्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड है और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो है स्ट्रॉन्गली बाउंड एज कंपेयरिंग टू ग्लास होल्ड। जैसे इन दोनों को क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, तो रबिंग करने से ग्लास होल्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो सिल्क पे ट्रांसफर हो जाते हैं। एक सिंपल सी बात, यहां से कौन गया, इलेक्ट्रॉन। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो बस क्या गया, प्रोटॉन। प्रोटॉन की नंबरिंग ज्यादा होगी तो इस पे जो चार्ज आया वो कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस 1e माइनस 1e, टू गए तो प्लस 2e माइनस 2e। तो ये फ्रिक्शन मैटर, फ्रिक्शन मैटर का मतलब होता है चार्जिंग बाय रबिंग। सेकंड हमारे पास जो मेथड होता है वो होता है इंडक्शन मेथड। अब बात आती है इंडक्शन मेथड कौन सा होता है, इंड्यूस चार्जिंग अ बॉडी विदाउट टचिंग इट, चार्जिंग अ बॉडी विदाउट टचिंग इट, यानी कि किसी भी बॉडी को चार्ज करना बिना टच किए, बिल्कुल टच नहीं करना, दूसरी चार्ज करना। वो कौन सा मेथड है, इंडक्शन मेथड। अब यहां पर अगर हम बात करें इंडक्शन मेथड, एक्सपोज करो मेरे पास ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, और ये अनचार्ज है, नेट चार्ज जीरो है। लेकिन एक बात देखो, नेट चार्ज जीरो होने का मतलब ये नहीं है इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोई भी मेटेरियल है देखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बनता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। हाँ, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, इसलिए क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट। तो इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब हमने क्या किया, हमने इसको चार्ज करना है विदाउट टचिंग इट, इंडक्शन मेथड है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो फर्स्ट, अब हम चाहे इसके कैसा भी चार्ज ला सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मैं इसके नियर बाय एक रोड लेके गया, पॉजिटिव रोड। एक बात सबको सिंपल बता रहे हैं, इस यूनिवर्स का रूल है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपेल। डेफिनेटली अगर ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दूर भागेंगे। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, उनकी क्या करेंगे, रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करते हैं, रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करते हैं, रिपेल। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट। एक सिंपल सी बात, यहां पर कौन सी रोड लेके आ रहा है, पॉजिटिव। क्या करेंगे, डेफिनेटली नेगेटिव को क्या करेगी, अट्रैक्ट, एंड पॉजिटिव को क्या करेगी, रिपेल। ये सिंपल सी बात, राइट। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके साथ मैंने ये ऐसा सिंबल बनाया और इस सिंबल का मतलब होता है अर्थिंग। इस सिंबल का मतलब होता है अर्थिंग। अब बात है अर्थिंग की, हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग का मतलब होता है अर्थ से हमने कनेक्ट कर दिया इस वायर के थ्रू, तो अर्थिंग का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्ज विद अर्थ। हम अर्थ के साथ चार्ज को शेयर करते हैं, लेकिन जो अर्थ है दुनिया में, चाहे पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है, वो हर तरीके के चार्ज को अपने अंदर ले जाते हैं, राइट। तो यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज को इसने क्या कर रखा है, अट्रैक्ट, अपने उसने फोर्स लगा रखा नेगेटिव चार्ज पे और पॉजिटिव को रिपेल। तो कौन सा चार्ज अर्थ के अंदर जाएगा, पॉजिटिव, एक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, एक को धकेलते हैं, राइट। तो अब यहां पे उसके बाद हम अर्थिंग को हटा देते हैं और अब इसके
इससे जो टोटल चार्ज बचा वो कौन सा चार्ज बचा? सिंपल सी बात, अब इसके खाली नेगेटिव चार्ज बच गया, क्यों? पॉजिटिव, इसके अंदर चला गया अर्थ के अंदर, ड्यू टू अर्थ थी। उसके बाद फिर हम इसको हटा देते हैं रोड को। अब जैसे हमने इस रोड को हटाया तो ये चार्ज हर जगह क्या हो गया? सेपरेट आउट हो गया। कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। दिस इज इंडक्शन वेक्टर। हाँ, अगर मैं यहां पे नेगेटिव प्लेट लेके आता हूं तो नेगेटिव प्लेट लाने से क्या होगा? पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा और अर्थ के अंदर कौन सा चला जाएगा? नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव विचार हो जाएगी। अगर हमें इंडक्शन मेथड से किसी स्फीयर को नेगेटिव की चार्ज करना है तो हम रोड लेके आएंगे पॉजिटिव। अगर हमने पॉजिटिव भी चार्ज करना है तो कौन सी रोड लेके आएंगे? नेगेटिव। तो ये होता इंडक्शन मेथड। बट यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा अर्थिंग। ये अर्थिंग का कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थिंग है क्या? सर क्या रोल है अर्थिंग का? एक सिंपल सी बात देखो, आप सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिल्कुल। अब जो आपके घर का कनेक्शन है वो खंभे पे ये वायर होते हैं, आजकल वो केबल सिस्टम हो गया सिस्टम। अब ये चार वायर है, ये लाइव वायर होते हैं, इनमें करंट फ्लो करता है, लेकिन जो नीचे वाला होता है उसमें कोई करंट नहीं होता, वो किसका होता है? अर्थिंग का। कई बार आप एक चीज देखोगी, जो बर्ड्स वगैरह है या मुर्गी वगैरह है वो एक वायर के ऊपर चलते रहते, उनको करंट नहीं लगता। क्या रीजन है? आप चाहो तो हवा में चल के एक वायर को टच कर सकते हो, बट दूसरा वायर टच नहीं होना चाहिए। अब रियलिटी क्या है? अब सपोज हमारे घर से कनेक्शन एक वायर यहां से और एक वायर इसमें से ले आए। अब ये लाइव वायर है, इसमें से ये करंट प्रोड्यूस करेगा, इसमें से करंट आएगा हमेशा, लेकिन बाय द वे हमने घर के अंदर ये स्विच लगाया या कोई भी अप्लायंस वगैरह लगा दिया, तो यहां से जो करंट आएगा करंट को जाने के लिए भी जगह चाहिए, और जब करंट को जाने के लिए जगह आएगी तभी सर्किट कंप्लीट होगा। अब रियलिटी क्या है? मैं इस वायर को टच करूं खाली, क्योंकि तो अर्थिंग का करंट है ही नहीं, लेकिन इस वायर को मैंने टच कर दिया तो करंट क्यों लगता है? क्योंकि मेरी बॉडी कैसी है? कंडक्टिंग, और मेरे अंदर से जो चार्ज है, जो करंट है, वो पास होके किसमें चला जाएगा? अर्थ में। सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। इसलिए हमें क्या लगता है? करंट लगता है, एक सोक लगता है। तो अर्थिंग का मतलब होता है सेविंग ऑफ चार्ज विद द अर्थ। और कई बार जो बर्ड्स इस पे सपोज कोई कौवे वगैरह या मंकी वगैरह बैठे रहते हैं, अगर गलती से मंकी का जो हल्का सा भी पार्ट दूसरे वायर से टच हो गया, क्यों? इसमें तो चार्ज जा रहा था, दूसरी जगह जाने के लिए जगह मिल गई, सर्किट कंप्लीट हो गया, उसी टाइम क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, राइट? ये हमारे पास क्या होता है? अर्थिंग, राइट? क्लियर है? तो उसके बाद हमारा तीन मेथड होते हैं, फ्रिक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड एंड लास्ट हमारे पास है कंडक्शन मेथड। और कंडक्शन मेथड इसका तो हम हर जगह यूज करते हैं, राइट? तो कंडक्शन मेथड का मतलब होता है चार्जिंग अ बॉडी बाय टचिंग इट।